काफी जगह बता आप तो कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा रहा नहीं, क्योंकि दोनों बच्चे यंग हैं और जावेद साहब ने गाया तो जाहिर सी बात है बहुत ही प्यारा गाना बना हुआ। संगीतकार कौन है? होगी उनकी सपोर्टिंग बहुत बड़ी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए हमारे सारे स्पेशल गेस्ट, और थैंक यू सो मच फॉर नाजमा मैम, आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे। नाजमा मैम वाह बेटे, आई एम टेकिंग नाजमा जी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जावेद अली का सॉन्ग करने की। तो देखते हैं सबसे ज्यादा उनका ही हो रहा है सपोर्ट, और हमारे डायरेक्टर साहब जी सुनील अहमद सिलके और बापू साहिब बेगड़े, सुनील उन्होंने जो शब्द दिया और मैम ने जो बोले कि हाँ ठीक है, दो लड़कियों को या जो चुने जो मावल से है हमारे इधर के, और किरण जी यादव जो मावल तालुका अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनके बोलने से मैम ने दो लड़कियों को आपके जो जो भी आपका टीम है इसमें शामिल करके लिया, आज उनका जो भी गाना बना है उसके लिए आप सब लोग ने हमें इधर इन्वाइट किए, उसके लिए मैं सबसे पहला आप सब लोग का आभार मानता हूँ। यहाँ पे जो कॉमेडी जो सुनील पाल जी सर है उनका सम्मान करने के लिए हमारे सरपंच है शिवली गांव के सरपंच बाल साहब सरपंच, उनके हाथ से हम उनका सत्कार करने वाले शाल और उसके बाद अपने प्यारे म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप जी सेन साहब, इनका भी हमारे तरफ से सत्कार हो रहा है। आपके जैसा टीम बने और हमारे मावल वासियों को कि आप एक आगे ले
इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ और दो मेरा शब्द है मैं इधर बिल्कुल सही कहा आपने। अभी रिलीफ जो करने वाले हैं लोनावला में करेंगे और सरपंच साहब की शुभकामना से टाइटल है मुद्दा गर्म है और वसीम साहब के साथ में हमारा जो एक पारिवारिक रिलेशनशिप कह सकते हैं काफी सालों से है। अभी हाल ही में जो हमारी फिल्म आई लॉकडाउन टू अनलॉक उसे हमारे उम्मीद पर स्ट्रीमिंग हो रही है उसमें भी एज ए पीआरओ पब्लिसिटी क्या जनरल पब्लिसिटी पब्लिसिटी डायरेक्टर वसीम भाई का ही नाम है वसीम सिद्दीकी साहब का नाम है। फिल्म का नाम क्या है लॉकडाउन टू मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ खाली घूम और बाकी सारी जानकारी के लिए सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारी बातें आपको वहां से भी मिलेगी और इस टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग हौसला बढ़ाइए आपने हमेशा ही हौसला बढ़ाया आगे भी बढ़ाइएगा और अगली फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं दीजिएगा जोरदार तालियां इस टीम की। ये जो गाना है देखा जो ख्वाब दोनों जो कलाकार है काफी यंग है और गाना भी काफी सूदिंग है मतलब दिल को छूता है और लोकेशन भी काफी बेहतर है कैसा लगा आपको गाना देख के? भाई देखो यंगिस्तान को जो जो चीज की जरूरत है वो सब इसमें है मतलब युवा जो जिस दुनिया में जीते हैं जो ख्वाब में जीते हैं देखा है ख्वाब मतलब युवाओं का जो है वो ख्वाब देखना जो है वो रोज का काम होता है उनका हक भी है और वो ख्वाब पूरे करने के लिए वो मेहनत भी करते हैं तो युवाओं का युवाओं को ये बहुत प्रेरित करेगा बहुत पसंद आएगा और गाना जो जावेद अली साहब ने गाया मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्होंने अपना बेस्ट गाना गाया अभी तक का सबसे हालांकि सारे गाने उनके हिट हैं लेकिन ये उन्होंने एक अलग यूथ का एक टोन उन्होंने इस्तेमाल किया है तो और अभी हम लोग दिलीप साहब और मैं उन लोग बात कर रहे थे कि क्या इत्तेफाक है कि इसी टाइप का गाना 80s में गाया था सिलसिला फिल्म का देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए और उसे लिखा था जावेद अख्तर साहब ने और देखा जो ख्वाब इसे गाया है जावेद अली ने तो देखिए जावेद जावेद कैसा मिला है तो मुझे लगता है कि ये जावेद का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत हिट है और चलेगा गाना और जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है दोनों को मिलाकर मुझे लगता है कि ये बहुत पसंद आएगा सर मुझे नहीं लगता है आपको बॉबी में जैसे आए थे ऋषि कपूर और डिंपल बिल्कुल तो लड़का वाकई में ऋषि कपूर जैसा लग रहा है लड़की वाकई में डिंपल लग रही है और मैं एक बात ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आर विजन ने इसको रिलीज किया आर विजन यस हमारा विजन आर विजन आर विजन ने बहुत ही प्यारी कंपनी है आर विजन ने अब तक जितने भी म्यूजिक रिलीज किए हैं मेरे ख्याल से उनके सारे म्यूजिक एल्बम हिट हुए और ये नंबर भी उनका हिट होगा और सबसे प्यारा तो ये कि देखा जो ख्वाब साउंड इतना प्यारा है दूसरा जावेद जी ने जो गाया है मैं इसकी क्रेडिट राइटर को और सिंगर के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर को भी दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आज का जो युग का जो साउंड है और जो म्यूजिक है जो मेलोडी है उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्टर ने तो कमाल कर दिया जो लास्ट सीक्वेंस उनकी देखी जो इबादत की उनकी पूरा जो युतियापा है इस गाने में देखने मिला जितना यूथ का जो तो ये भी रहना सर ये भी कहना चाहूँगा जैसे आपने कहा कि आगे जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें मौका भी आप देना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भाई मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो ज़रूरत है अच्छे दोस्तों की अच्छी टीम की अच्छे लोगों की जो हमारे पुराने कलाकार हैं वो तो हमारी जड़ें हैं ही नए जो है वो पत्ते हैं हरे पत्ते तो जड़ के बिना और हरे पत्तों के बिना पेड़ कभी अच्छा नहीं होता और जब पेड़ों का मामला आता है तो फिर लोनावाला कैसे बच सकता है और सरपंच साहब पर फिर आर विजन की दया दृष्टि रहेगी तो हमारे अगले गाने भी उसी में आएंगे हालांकि इस बार जो लॉकडाउन टू अनलॉक जो मैंने फिल्म की है उसके गाने बिफोर ही भी आ रहे हैं लेकिन इससे ये सिलसिला शुरू हो गया देखा जो ख्वाब से इसके पहले भी उस लड़के का गाना इन्होंने रिलीज़ किया था आर विजन ने आर विजन जो है नए कलाकारों को और खासकर टैलेंटेड कलाकारों को बहुत प्रमोट करता है इसलिए तो कहा गया आर विजन हमारा विजन जैसे हमारा बजाज था वैसे हमारा विजन तो इसको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आर विजन जो है सारे टेलीविजन के आगे निकल जाए और पूरे देश का विजन बन जाए बिल्कुल रीजन और विजन सीजन भी बन जाए और हमें पेमेंट करने का रीजन भी रीजन बन जाए ठीक है मैंने देखा है आप नए कलाकार हैं और शूट काफी अच्छी तरीके से हुआ है लोनावला में शूट हुआ है तो क्या कहेंगे इस एल्बम के बारे में उसके कलाकार के बारे में
सर मैं यही कहूँगा कि मेरी नाज से आज ही मुलाकात हुई है और इन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली मुझे जस्ट ये गाना रिलीज हुआ है देखा जो ख्वाब देखा जो और ये मेरे भांजे हैं इन्हीं का ही गाना है। ओह क्या बात है भांजे साहब आपने तो छा रहे हो अब बस आप इसके बारे में अरे वाह वाह अरे रिलीज हुआ है जी जी रोहन हां सर बोलिए प्लीज सर मैं इतना ही बोलूंगा कि ये जो साहबजादे हैं जो हमारे बच्चे हैं तो मेरी गुड विशेज इनके साथ में हैं और मैंने गाना सुना है बहुत ही ज़बरदस्त गाना है देखा जो ख्वाब एक गाना आया था देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए भूल भी तो हुए तो कांटे जो भी व्हाटएवर वाज देयर बट ये भी गाना वैसा ही इंशाल्लाह हिट होगा और मेरी गुड विशेज इनके साथ में हैं और मैं दुआ करता हूँ कि नाज जी के ये भांजे हैं ये ज़बरदस्त हिट हो जाए ये गाना हिट हो जाए मेरी इनकी इनके साथ में गुड विशेज हैं और बाकी तो ये है कि ऊपर वाले में चाहते उम्मीद करते हैं जल्दी से हम लोग ये गाना देखें और आप लोग भी देखें और खूब मज़े करें इंजॉय करें हमारे दानिश साहब भी आए हुए हैं दानिश साहब जो है ना बहुत बड़े ये बहुत बड़े सिंगर हैं क्लासिकल और इंडियन आइडल भी कर चुके हैं और दिलीप साहब का तो तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है ये तो भैया एक परिवार ये 30 साल से जो हंगामा कर रहे हैं और आज तक करते ही आ रहे हैं 30-35 साल हो गए 35 साल हो गए हैं ये किसी को आने नहीं दे रहे अपनी जगह छोड़ ही नहीं रहे सब अपनी अपनी जगह है सभी अच्छा काम करते हैं दानिश साहब से क्या कहना चाहेंगे एल्बम के बारे में और जावेद अली सिंगर हैं और जो आर्टिस्ट हैं काफ़ी नए हैं काफ़ी देखा जो ख्वाब है मैं इस एल्बम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने इतनी मेहनत से ये एल्बम बनाया है और मैं खुद भी सिंगर हूँ तो मैं जानता हूँ कि सिंगर कितनी मेहनत से गाना गाता है तो मेरी बस ये विशेष है कि ये एल्बम बहुत कामयाब हो और बहुत नाम कमाए और एक ये जो हाँ इन्होंने बताया कि जावेद भाई ने गाया है जावेद अली जो सिंगर हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं और समझ लीजिए कि मेरे भाई भी हैं मेरे दोस्त भी हैं सब कुछ है और समझ लीजिए उनकी आवाज़ अगर इनको इन साहबजादे को मिली है तो ये खुश नसीब हैं और इंशाल्लाह ये गाना बहुत ही सुपर हिट होगा अल्लाह ने चाहते और ये जावेद भाई तो इसमें जान डाल ही दिए हैं और ये बच्चे ने भी बहुत अच्छा काम किया है गॉड ब्लेस ऑफ देम इन लोग को बहुत बहुत मेरी गुड विशेज और शुभकामनाएँ जावेद भाई को भी और नाज जी को भी और इनके जो भांजे हैं इनका फैज़ तो नाम ही बहुत प्यारा है अल फैज़ तो अल फैज़ मेरी गुड विशेज आपके साथ में हैं मेरी दुआ है कि आप एक नाम पैदा करो नाज जी का नाम जो है ना वो सितारों की तरह जगमगा दो उन्होंने बहुत मेहनत की है आपके लिए तो अल फैज़ मेरी गुड विशेज आपके साथ में हैं गॉड ब्लेस यू थैंक्स बोलो बोलो मैं गाता हूँ सारे मिलके तुमको ये देते दुआएं अल्फेज हैप्पी बर्थडे टू यू अल्फेज हैप्पी बर्थडे टू यू अल्फेज हैप्पी बर्थडे क्या अल्फेज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इंशाल्लाह आज इतने बड़े दिन मतलब आज इनका मतलब बर्थडे भी है देखा जो ख्वाब ये आज म्यूजिक भी इनका रिलीज हुआ और मैं सबको मतलब जो भी इस टीम जुड़ी हुई है सबको बहुत बहुत बधाइयाँ अल्फा जी आपको जन्मदिन की और इस म्यूजिक रिलीज की बहुत बहुत बधाइयाँ सर थैंक यू राजस्थान से टिकटॉक वीडियो रील्स वगैरह ऐसे करके धीरे धीरे तो फिर मुझे डायरेक्ट जाके फिर बॉम्बे आने का चांस मिला फिर धीरे धीरे करके मैंने सॉन्ग्स के अंदर मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली
और फिर मेरे दो सॉन्ग्स पहले आ चुके हैं, फिर उसके बाद ये थर्ड अपॉर्चुनिटी मेरे को जावेद अली सर के सॉन्ग अंदर मिली और मेरे को सर बहुत खुशी है कि मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जावेद अली सर के सॉन्ग करने की। और एक्चुअली आप बताइए आपका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ शुरुआत की आपने? मैं सांगली से हूँ, प्रॉपर सांगली से हूँ। तो मैं मॉडलिंग, मेरा पैशन मॉडलिंग है और एक्टिंग में तो नॉर्मली ज़्यादा नहीं है, पर ये अपॉर्चुनिटी मिलने से मतलब स्टार्टिंग हुई है मेरी मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों भी। सो मुझे ये सॉन्ग करके बहुत अच्छा लगा, जो जावेद अली सर है उनके सॉन्ग है जो वो बहुत अच्छा है और मतलब कुछ तो मीनिंग है उस सॉन्ग का, इसलिए तो वो इतने आज वन डे में इतना व्यूज मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना अच्छे व्यूज मिलने चाहिए वगैरह। तो ये पहला प्रोजेक्ट है आपका म्यूजिक एल्बम या फैमिली प्रोजेक्ट? नहीं, मराठी मतलब मराठी सॉन्ग्स की है, पर ये हिंदी में फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और ये तो क्या प्लानिंग आगे कैरियर को लेके क्या करना चाहते हैं, और जो इस एल्बम से जुड़े लोग हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर और जो जिसमें सपोर्ट करते हैं उनका इसमें सपोर्ट है? सर मेरा आगे लेके भी एक्टिंग का है, बट मैं पहले ग्रेजुएशन कम्प्लीट करूँगा, फिर उसके बाद वापस इसको एक्टिंग को ही कंटिन्यू करूँगा। और इनके जो मेरे कोरियोग्राफर सर थे कौशल शेख जी, उन्होंने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ करा है सॉन्ग को और उनसे हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला। और हमारे जो नाजमा मैम, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। फर्स्ट तो सपोर्ट नाजमा मैम वासिम सर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और जो कौशल सर है उन्होंने बहुत मतलब कि हर एक चीज़ समझा के बताया है कि ये ना कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, और ये सब बहुत अच्छा है। और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भी, जो आर वी जन है जो उस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करनी चाहिए। प्रोड्यूस तो से मेन तो जावेद सर ने इतना मेहनत, उनके हर सॉन्ग हिट होते हैं तो उस देखकर गाने के बहुत उन्होंने बहुत हिट गाना और बहुत अच्छा गाना गाया। बाकी फीचरिंग भी बहुत अच्छी की है दोनों ने, अल्फेज ने और ऐश्वर्या ने, बहुत यंग है और उनका बहुत अच्छा वो भी रही है बॉन्डिंग भी, और अच्छा जो मेजोरिटी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही है दोनों की सॉन्ग के अंदर। सबने बहुत टीम वगैरह ने, हमारे जो कोरियोग्राफर थे कौशल सिंह जी, उनका भी बहुत अच्छा वो रहा है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बाकी और भी बहुत सबका ही बहुत सपोर्ट रहा है, मैं नाजमा मैम। अब तक कितनी वीडियो आप प्रोड्यूस कर चुके हैं? ये मेरी सेकंड वीडियो है, इससे पहले एक और वीडियो प्रोड्यूस हो चुकी है मेरी, और आगे भी नई शॉर्ट फिल्म की और थोड़े से दिन वापस शूटिंग स्टार्ट होने वाली है कुछ टाइम में। किस तरह से गाना ही आपके पास आया, झोली में आया, किस तरह से आया ये पास, किस तरह आपने अप्रूव किया कि हाँ यार गाना करना है मुझे, बाकी बहुत बेहतरीन गाना है ये? सोचने की सर, जावेद अली सर का गाना है तो सोचने की उसमें है ही नहीं बात, वो वैसे ही बहुत फेमस सिंगर है। मैम का हमारा रिलेशन है, कुछ शूटिंग के लिए हेल्प लगती है तो कॉल कर देना, तो मैम को बोला दो लड़की है तो दोनों लड़कियों को सिलेक्ट किया, तो गाना भी अच्छा था। तो सर आपसे आपका भी काफी सहयोग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो देखो, मैं अभी किरण जी ये जो हमारे राष्ट्रपति के अध्यक्ष है और मैं सरपंच हूँ घर के, उन्होंने मेरे को बोला सरपंच जी ऐसा ऐसा है, तो उसके बाद मैं बोला ठीक है तो चलेगा, आप तो हेल्प कर रहे हैं उनको तो अपन भी करेंगे, जो अच्छा हो रहा है उसके लिए तो करना ही हेल्प। तो मैं तो ये वीडियो तो नहीं देखा था लेकिन फर्स्ट टाइम आज देखा मैंने, तो सच्चे में बहुत बेस्ट है और नाम हो जाएगा इन लोग का तो सच्ची में। और मेरे को ये टीम का मैं सब दिल से एकदम बोलना चाहता हूँ कि हमारे लोनावला में जो भी कुछ और वीडियो बनानी तो उधर कुछ हेल्प लगेगा, तो मैं हमारे तरफ से हमारे मावल के आमदार है बापू साहेब भेगड़े, सुनियाना सर के आमदार पूरे मावल के वो लड़के ही, तो उनका भी कुछ हेल्प चाहिए तो उनसे अपन हेल्प मांगेंगे और भी वीडियो शूट कर सकते हो। अभी तो ये गाना बहुत अच्छा लगा, आपने देखा तो बहुत पॉपुलर हो जाएगा और ये गाना बहुत हिट हो जाएगा, क्योंकि जो गायक इनके बहुत बड़े हैं, इसके वजह से पूरा महाराष्ट्र में हमारे माहौल में इसका एडवर्टाइज हो जाएगा अभी, और ऐसे ही
बार बार होते रहेंगे प्रोग्राम तो हम लोग को अच्छा लगेगा और ये गाना हिट हो जाए इतना ही दुआ करता हूँ मैं। मैं बता दूं ये जो एल्बम है ख्वाब वाला और ये गाने बहुत अच्छे हिट होंगे। रीजन इसके पीछे जो टीम है जैसे वसीम जी है जो बॉलीवुड के बहुत बड़े पीआरओ हैं, नजमा जी हैं, प्लस सांगली से हैं और इनका नाम अल्फेज जी हैं जो और माने जी जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए। पहली बार लोगों को लगता है बहुत आसान है कैमरा फेसिंग करना या गाने में, पर इन्होंने फर्स्ट टाइम किया जो बहुत अच्छे काबिले तारीफ़ है। और गाना जो गाया जावेद अली वो सिंगर है जो हमेशा एआर रहमान के गाने गाते हैं और इनके लिए गाना गाया है तो बहुत बड़ी बात है। और ये गाना 100% सुपर डुपर हिट होगा और मैंने देखा बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। जैसे कि आप सब लोगों को पता है मुंबई फिल्म अकेडमी 21 साल से है, पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। सारे फिल्म स्टडी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, साउंड, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रोडक्शन, लाइटिंग, सिनेमाटोग्राफी। जिसको जिसमें डिप्लोमा करना है वो उस कोर्स में डिप्लोमा कर सकता है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का कोर्स है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पास आउट हुए और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि कोई भी चीज़ जो 21 साल हो जाए और फिर उनके साथ में हम जुड़े हैं और हमारे स्टूडेंट्स का जो सपोर्ट और हमारे जो टीचर्स के सपोर्ट है उनकी वजह से आज जो हम लोग इतने आगे वो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग भी बहुत सालों से जुड़े हैं और आप लोग आते रहते हैं और हमारे मुंबई फिल्म अकेडमी को बहुत आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, खास मीडिया का। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का और फिर से मैं कहना चाहूँगा वसीम सिद्दीकी जी का और नजमा जी का। जैसे कि हर बार एकेडमी पूरे साल भर में 2 से 3 फिल्में बनाती है तो इस साल भी हम 2 से 3 फिल्में बनाएंगे। शॉर्ट फिल्म्स तो बहुत सारे होते हैं जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए होते हैं। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म एक अच्छा मौका है स्टूडेंट्स लोगों के लिए और नए नए डायरेक्टर्स लोगों के लिए। और साथ में जैसे थिएटर शुरू हो जाएगा, जैसे 22 तारीख से थिएटर शुरू होने वाले हैं तो इसके लिए हम लोग फीचर फिल्में भी बनाएंगे और रिलीज करेंगे। Thank you very much. Thank you very much.